नमस्कार, स्वागत है आपका एसीपी नेटवर्क पर। मैं हूं आपके साथ सरिता। आइए आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की 5 मुख्य खबरों पर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ जमीन घोटाले का केस चलेगा। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 16 अगस्त को सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दी थी। सिद्धारमैया ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई, जिसे खारिज कर दिया गया है। सिद्धारमैया पर मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण से मुआवजे के लिए फर्जी दस्तावेज लगाने का आरोप है। उत्तर प्रदेश में खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट यानी दुकानदार का नाम लिखना जरूरी हो गया है। दुकान पर संचालक, प्रोप्राइटर, मैनेजर का नाम और पता डिस्प्ले करना होगा। हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन, रेस्टोरेंट में सीसीटीवी और कर्मचारियों को मास्क, ग्लव्स पहनना जरूरी होगा। इसराइल ने लेबनान पर लगातार 5वें दिन मिसाइलें दागी। इसराइल अटैक में 2 दिन में 564 के करीब लोग मारे जा चुके हैं। इनमें 94 महिलाएं और 50 बच्चे हैं। इसराइल ने हिजबुल्ला के 1600 ठिकानों को निशाना बनाया था। हिजबुल्ला ने भी इसराइल पर 55 रॉकेट दागने का दावा भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएस दौरे के 3रे दिन यूक्रेन राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से मुलाकात की। ये 32 दिन में दोनों नेताओं की दूसरी मुलाकात है। जेलेंस्की ने जंग रोकने के लिए किए जा रहे पीएम मोदी की प्रयासों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। मोदी ने कहा कि हम यूक्रेन दौरे पर हुए फैसलों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बदलापुर दुष्कर्म केस में आरोपी के एनकाउंटर का मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा है। आरोपी अक्षय शिंदे के पिता ने एनकाउंटर की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने की मांग की है। उधर महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को एनकाउंटर की जांच सीआईडी को सौंप दी है। ऐसे ही तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए एसीपी नेटवर्क।